बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर्स जा रही हैं, इसमें लेक्चर नंबर 49। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम से कौन कौन से कलर की कौन कौन सा कलर निकलता है ये हम देखेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट स्टडी द एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी निकलती है मुख्तलिफ साइंसदानों ने उसको पढ़ा। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी में, तो उसमें से देखते हैं कि क्या सीरीज हमें बननी है। तो बारहवा सीरीज है, ये विजिबल रेंज होती है। इसमें जो फाइनल एन एफ होता है वो 2 होता है, यानी फाइनल ऑर्बिट 2 होगा। एन आई कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6। अच्छा, लाइमन सीरीज़ के अंदर एन एफ 1 होता है, यानी फाइनल ऑर्बिट 1 है। बाकी ये आ कहाँ से रहा है, 2, 3, 4, 5 कहीं से भी आ सकता है। तो लाइमन हो गया, बादमन हो गया, पेस्चन, इसमें एन एफ 3 होता है, और बाकी एन आई 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट ये इन्फ्रा, बाकी सारे इन्फ्रारेड हैं। बालमर विजिबल है और एक अल्ट्रावायलेट है, बाकी सारे इन्फ्रारेड हैं, 3 इन्फ्रारेड हैं। ब्रैकेट्स इन्फ्रारेड है, ब्रैकेट के अंदर एन एफ 4 होता है, एन आई 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। पी फंड में एन एफ 5 होता है और एन आई 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। जो जनरल फार्मूला हमारे पास है, एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई, एन आई हमेशा बड़ा होगा, एन एफ छोटा होगा। सोमरफिल मॉडिफिकेशन, जब उसने आफ्टर द स्टडी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम के बारे में हमें समझ आ गया हाइड्रोजन की, कि कौन कौन सी कलर सी वो रेडिएशन निकाल रहा है किस ऑर्बिट पर आने पर। सजेस्टेड सोमरफील्ड ने सजेस्ट किया, अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन इलेप्टिकल पाथ। सर्कल में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेप्टिकल पाथ में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन है। सर्कल में भी घूम रहा है, इलेप्टिकल में भी घूम रहा है। अब ये एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वाई पे भी हो सकता है, जेड पे भी हो सकता है। एनर्जी लेवल्स, शेल और सब शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट है डिफरेंट एनर्जीज, हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। तो एवरी ऑर्बिट और शेल हर किसी की एक खास एनर्जी लेवल भी होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी शेल में आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n² एन नंबर ऑफ शेल है। फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, सेकंड शेल में 2 का स्क्वायर 4, 4 to the 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, थर्ड में 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 4 में 32 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब शेल और सब शेल की बात कर लेते हैं। शेल सब शेल हमारे पास 4 होते हैं, एस पी डी और एफ। एस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, पी में 6 से ज़्यादा नहीं आते, डी में 10 से ज़्यादा नहीं आते, एफ में 14 से ज़्यादा नहीं आते। अच्छा, शेल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। सब शेल हमारे पास, ये हम 1 से 7 तक लाइन में ड्रॉ करेंगे, फिर 2 से 7 तक, 3 से 7 तक, 4 से 7 तक, और इसको इस तरह हम लोग कैंसिल करते आएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल ये इस तरह डायगोनल में कटता चला जाएगा, और इस तरह फिर हम इसे पढ़ते हैं। जैसे यूँ पढ़ेंगे तो 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, तो इस तरह से पढ़ते आएंगे एरो की तरफ। तो ये हमारे पास पूरी एक एनर्जी लेवल बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आ सकती है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी। हीलियम 2 होता है तो 1s2, लिथियम 3 होता है तो 1s2। एस में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, दूसरे शेल के एस में आएंगे, यानी 2s1। बेरीलियम 1s2 2s2। उसके बाद बोरॉन 5 है, 1s2 2s2। अब एस में 2 आ गए, फिर 2p1 शुरू होता है। फिर ऑक्सीजन 8 है तो 1s2 2s2 2p4 होगा, ताकि 2+2 4 और 4 8 हो जाएगा। सोडियम 11 है तो 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि 2 में 8 आते हैं तो 6 और 2 8 हो गए, तो फिर ये तीसरे में जाएगा, तीसरे के एस में। इस तरह सिलिकॉन है 14 का, तो 1s2 2s2 2p6, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। ये जो हमने बनाया ना, बस एस के अंदर 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। तो ये हमारे पास है, जहाँ भी जैसे अगर हमें 11 दिया हुआ तो 3s1 पर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ तक 10 हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस टेबल से बना सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।